अस्सलाम वालेकुम, आप सबको लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि एक बार फिर बंदे चौक प्रोग्राम जाना वो शुरू कर दिया है कंपनी ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपनी ने शुरू किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग ने शुरू किया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही बात है, नून लीग और कंपनी सरकार दोनों ही। हाँ, दो बहनें हैं, हाँ, इनका प्यार बड़ा गहरा है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। किसी एक के ऊपर आँच आती है तो दूसरा भागा भागा आता है उसे सेव करने के लिए। तो ये दोनों ने मेल मिला के जो है ना बंदे उठाने शुरू किए हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो है ना वो इन्होंने उठाने शुरू किए हैं, जिसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और करनी बनती है। और जो क्यादत है उसको भी कहा जा रहा है कि भाई ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनको उठाया जा रहा है, इनके लिए एक तो आवाज़ उठाओ और अमली इकदाम भी करो, अदालतों में जाओ, केसेस करो, जाके पुलिस स्टेशनों में जाओ, इनको रिकवर करो बंदे, क्योंकि इनमें से कुछ तो जो वो छुपे हुए थे, छुपे हुए को पकड़ लिए, एक और बात है अजीब सी। और ऊपर से बिल्कुल सुन और टन ही पड़ी है पीटीआई की क्यादत, हाँ जी बिल्कुल टन, पता नहीं क्या कोई भंग पी कर सॉरी है, हाँ उसको उठाने की कोशिश जोरों से की जा रही है। और ज़्यादा नहीं, एक बंदे ने कल मुहिम शुरू की इनको क्यादत को उठाने वाली, असनान बलोच बड़ा नाम है एक ट्विटर का, उसने कोशिश की ट्वीटें कर करके इनको झिझोर झिझोर के इनको टैग कर करके कि भाई वो दो चार दिनों में इतने सारे बंदे उठाए गए हैं, आप कहाँ पर हैं, ये वर्कर हैं, ये जिनसे पार्टी का सोशल मीडिया चल रहा है, हाँ वो बेड़ा गर्क तुम्हारा हो, आवाज़ उठाओ अपनी, निकलो बाहर। लेकिन कोई हिलजुल नहीं, मर के बस एक आधी ट्वीट आ जाती है किसी न किसी की कि भाई हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसे उठाए जाने पर। हाँ भाई ये क्या मजम्मत हुई भाई, वो वकीलों को भेजो अपने, इतने आपके पास रिसोर्सेज है, पता कराओ कौन से थाने में कौन है क्या, रिहा करवाओ, क्योंकि अगर जब तक ये रिहा ना हुए अगर, हाँ तो फिर इसके बाद तुम्हारा नंबर है, फिर तुम्हारे लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो कारकुन जो नीचे ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ये उनकी वजह से खड़ा है। और खैर मेरा ख्याल है कि ये चाहते भी यही हैं कि ये सारा कुछ ख़त्म हो, क्योंकि इनके पास कंट्रोल जो है ना वो लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सारे लोग जो है ना वो छुपे भी हुए थे, जैसे कि एक फरीद है, फरीद नाम का लड़का है, बड़ा अच्छा, 2008 से इमरान खान साहब के साथ है और वेबसाइट भी चलाता है और सारा, वो कोई ऐसी गलत बात कोई भी नहीं कर रहा था इनमें से, क्योंकि गलत बात करने के लिए तो हम बैठे हैं ना बाहर, हाँ पाकिस्तान में रहकर कैसे की गलत बात कर सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, गलत बात हम भी नहीं करते यार, हाँ मेरा मतलब है कि सख्त बात, हाँ गलत बात निकल गया, सख्त बात जो है ना, मैं तो वैसे भी सख्त, और दूसरे जो करते हैं सख्त बात, हाँ मैं तो ढोलकी बजा के कर देता हूँ, हाँ दन दन दन, वो सख्त बात भी हो जाती है, हाँ और जिसके खिलाफ हो रही हो वो भी हंस देता है यार ये क्या है। अब मैसेज जाना चाहिए, बहरहाल जो है ना पहुँचना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि यार वो जो है ना बंदा बेचारा इतना, और दूसरा एक कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल मीडिया का, हाँ झुंझुआ पता नहीं ऐसा को नाम, वो भी बेचारा उसको भी उठा लिया गया, और बहुत सारे ये दो चार दिन में गायब कर दिए गए बंदे, यार ये बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, एक तो पहले आपने इतने बंदे उठाए, इतने बंदे उठाए, अगर आप इतने बंदे उठा हज़ारों बंदे उठाने के बाद आप पीटीआई का सोशल मीडिया ख़त्म नहीं कर सके, तो अब ये दो चार बंदे उठा के क्या हो जाएगा, सिर्फ ये कंट्रोल हासिल कर। और कोई बंदा कह रहा कि ये इनसाइड जॉब है, हाँ जी इनसाइड जॉब, किसी को पता है कि ये कोई छुपे हुए बंदे वो भी उठा लिए गए हैं, तो ये अंदर के बंदे हैं जो कि मिले। अब कौन है ऐसा घुस बैठिया जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ये वही बंदा है जिसने कहा था कि मीडिया सोशल मीडिया पीटीआई के मेरे कंट्रोल में नहीं है, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अपने कंट्रोल में लेके आऊँ, और उसके साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जाने लगे, हाँ अगर वो नहीं मिले तो उनके भाइयों को उठा लिया गया, ख़ानदान वालों को उठा लिया गया, तो कंट्रोल करने के लिए कौन हो सकता है। वैसे आप भी थोड़ा सा जोर दें, अगर मैं थोड़ा सा जोर दूं, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसा शक का इजहार किया जा रहा है कि भाई ये वो बंदा हो सकता है जिस पे खुसरो ने हमला किया था। दंग दनादन दंग, हाँ लेकिन फिर ये जहन में आता कि यार वो तो मजलूम, खुद मजलूम है, उसको तो यार बेचारे खुसरो ने हमला किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हाँ वो करवाया गया था, हाँ वो लेने के लिए, हमदर्दियाँ लेने के लिए, उसके बाद इसको कंट्रोल करने का कहा गया, और ये आस्ते आस्ते जो भी इसके रास्ते में आ रहा है ये सबको उठवा रहा है, हाँ सबको खामोश करवा रहा है, ट्विटर अकाउंट डिलीट करवा रहा है लोगों के, सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए, ये कंपनी का बंदा है, हाँ ये बात हो रही है, मुझे नहीं पता कि सच्ची है या फजूल है।
मुझे इसमें वजन नजर आता है कि भाई जो छुपे हुए कार्गो है उनको कैसे उठाया जा रहा है, तो लाजमी बात है कोई ना कोई बंदा जो है ना अंदर वो यकी कर रहा है कि बंदा मतलब यही हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से जो बड़े बड़े गद्दार हैं जो बाहर बैठे हुए उनकी तस्वीरें लगी हैं बिल बोर्ड पर, वो छाए हुए हैं ये बिल बोर्ड पर तस्वीरें लगी हैं उनकी, और उस बोर्ड को आप गौर से देखें ना तो मुझे तो उसमें शक है वो पूरा ठीक नहीं है क्योंकि उसमें जो है ना कंपनी के अपने टाउट हैं उसके अंदर। हाँ सच्ची बात है, अपने टाउट उन्होंने डाल दिए हैं और कुछ लोग तो बड़े खुश, अब पता नहीं कौन टाउट है, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा। हाँ आप खुद ही गैस कर लें कौन गद्दार है, कौन डबल जेंट है, कौन टाउट है, कौन कोडू है, हाँ कौन नहीं है, मुझे क्या पता। हाँ मैं तो ऐसी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि कुछ बंदे बहुत खुश हैं उसको लेकर जिनकी उसमें तस्वीरें हैं, वो बार बार उसकी शेयर कर रहे हैं दिखा रहे हैं, और कुछ ने तो वीडियो पैगाम भी दे दिया आके इतनी खुशी में आके। अब ये देख ले एक अपना ये शहाब है, शहाब नाम का कोडू, इस पर शक किया जाता है कंपनी का बंदा है, शायद ना हो सकती हो क्या पता ना हो, वैसे मुझे लगता है कि है शक ही है ना, शक का इजहार आप किसी पे भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन इस पे जो शक किया जा रहा है ना उसके पीछे कोई वजूहत है। हाँ जैसे कुछ बंदे कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये बेचारा खुद मजलूम आदमी है, हाँ ये तो जिला वतनी कार्ड क्या है, हाँ अपनी जिला वतनी है, पता नहीं ना इसको कोई पर्चा ना इसको कोई इदारा ढूंढ रहा, हाँ कोई नहीं ना इसको पुलिस इसके पीछे ना नून लीग इसके पीछे है। अंदाजा करो नून लीग भी इसको पकौड़े पे नहीं लिखती, मेरा अगले जो पकौड़े बनाती है ना हाँ तो याद नहीं करती इसको कभी आके हमारे साथ पकौड़े खा लो, नान पकौड़े नान पकौड़े, हाँ नहीं तो ये बाहर आया आके इसने देखे क्या कहा। तो जी हमें गद्दारे वतन क्लब में शामिल कर दिया गया है, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अहम तरीन मकामात पर मेरी और दीगर लोगों की तस्वीर लगा दी गई हैं, और साथ कहा गया है कि ये अवाम को गुमराह करने में जमत रहा है गद्दारे वतन, लेकिन खुश बहुत है। हाँ वो कोशिश कर रहा है, और कोई नहीं आया जितनी जिनकी तस्वीरें है ना जो है पाकिस्तान में भी, जो बाकियों को भी चाहिए था कि भी आके उस बिल बोर्ड के सामने खड़े हुए कहते हैं देखें मुझे गद्दार कह दिया है, हाँ गद्दार नहीं हो सकता जो मर्जी कर ले मुझे, हाँ और अंदर से खुश है कि थैंक यू वेरी मच कंपनी सरकार, हाँ आपकी जो लगाई हुई छाप है मेरे पे वो अब थोड़ी मिट जाएगी, हाँ असि पागल है हमें नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, असि रोटी चुच के में है। हाँ तो ये आके देखे ना वो पता लग जाता है, हाँ कि भाई ठीक है समझ लग रही है मैं कि क्या हो रहा है। हाँ और भी इसमें काफ़ी बंदे हैं, हाँ ये कुछ गंजे मंजे भी हैं इसमें अजीब गरीब किस्म के कुछ, हाँ गद्दार सारे गद्दार इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, हालांकि यार गद्दार कोई भी नहीं है, गद्दारी का सर्टिफिकेट है ना ये नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। हाँ ये हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू उनका डिफरेंट हो, हाँ वो ये सोच रहे हो कि भाई कंपनी के साथ मिल के चल के जो है ना, हाँ सब इकट्ठे मिल के चल के तो बेहतर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, ठीक है। हाँ मतलब और कई शायद कुछ ऐसी उनकी सोच होगी कि नहीं भाई कंपनी को बिल्कुल अपना काम करना चाहिए, इनको जो आइन कानून ने जो काम दिया वो करें, ये मुदाखलत बंद कर दें, हाँ सियासत से दूर हट जाएं, और ये जो इन्होंने जो लुच तला हुआ इन चोरों के साथ, हाँ लुच, हाँ लुच जैसे पकौड़े तले जाते हैं वैसे लुच भी तला जाता है, हाँ और लुच से कंपनी तल दी जाए, हाँ उनका कहने का मतलब हो कि भाई ये लुच तलना छोड़ो, हाँ जाओ अपना काम करो, जो कि वो भी 100% और मैं इससे ज़्यादा मुत्तफिक हूँ कि भाई ये लुच तलना छोड़ो, हाँ जाओ जो काम तुम्हें आइन कानून ने दिया वो करो, हाँ क्यों ऐसे जो है ना आके जो है ना सिस्टम, तो वो इसलिए मुखालफत कर रहे हैं या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गद्दार कोई नहीं है, हाँ गद्दार का लफ्ज़ बड़ा सख्त हो जाएगा। और बाबा जी फरमाते हैं कि यार वो बिल बोर्ड पर सारे गद्दारों की तस्वीरें आ गई, मैंने कहा जी बाबा जी सब की आ गई, बाबा जी फरमाते तेरी क्यों नहीं आई, मैं बाबा जी मैं गद्दार थोड़ी हूँ, बाबा जी फरमाते हैं वो गद्दार है, मैं कहा नहीं नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं बाबा जी, हाँ की कर दे, मैं कहा बाबा जी मैं अपना तो कंटेंट कुछ हो रहा ना, हाँ अपना तो हम तो ढोलकी बजाते हैं बस, हाँ और कुछ नहीं करते, हाँ हमारा क्या, बाबा जी फरमाते नहीं तेरा नाम गया अंदर की खबर दे रहा हूँ, उन्होंने कहा जी इसकी तस्वीर लगाओ, हाँ बाबा जी फरमाते हैं मुझे खबर मिली है, फिर मैंने डड्डू को कह के मैं कह जान दे बाबा जी आप डड्डू के भाई खाते हैं, हाँ डड्डू को मैंने कहा कि नहीं भाई ये मुंडा अपना, हाँ इसकी तस्वीर लगनी चाहिए,
ना के डड्डू कह रहे थे कि नहीं इसकी तो सबसे ऊपर सबसे पहले लगेगी क्योंकि जितना इसने मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ। बाबू सुनाते फिर मैंने डिप्टी से भी फोन करवाया कि भाई नहीं, मैं कहा बाबा जी अगर ये बात है तो बहुत शुक्रिया, बाबू सुनाते हैं मेरा नहीं, हाँ डड्डू का शुक्रिया, डड्डू की वजह से सारा। मैं कहा मैं डड्डू का शुक्रिया तो नहीं करूँगा, आप जो मर्जी कह रहे हैं। हाँ लगी सर।